नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो बहुत सरल होते हैं और बहुत बार ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करके, चाहे वो वृक्ष हों चाहे जीव जंतु हों, ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है। आज के वीडियो में एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, केले के पेड़ की जड़ में दूध डालने का उपाय। लाल किताब में अलग अलग सिचुएशंस में ये उपाय किया जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। किन सिचुएशंस में ये उपाय करेंगे, क्यों ये उपाय किया जाता है, ये सारी बातें हम डिटेल में इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात करी जाए, ये जो केले का वृक्ष है वो किन ग्रहों से संबंधित है और किन किन सिचुएशंस में हम ये केले के पेड़ में ये दूध का उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं एक दो उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है, ये केले का वृक्ष है क्या, किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि केले का जो वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आप जानते ही हैं, केले का हर भाग, चाहे वो तना हो, फल हो, उसके पत्ते हो, सबका प्रयोग किया जाता है और सारे जो भी पूजा के कार्य हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। सत्यनारायण व्रत हो वहाँ पर केले के वृक्ष का प्रयोग, केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पतिवार का कोई व्रत रखना हो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो जो केला वृक्ष होता है वो बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है लाल किताब में, और जो केले का फल होता है वो केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है, और जो केले का वृक्ष है ये माना जाता है कि भगवान नारायण का वास केले के वृक्ष के अंदर होता है। तो इसी वजह से हम बृहस्पति से संबंधित भी मानते हैं, बृहस्पति का कोई भी उपाय हो। और वैसे भी आप जानते हैं, केले का वृक्ष जो है उसका फल जो होता है वो केतु से संबंधित है, और केतु जो है वो बृहस्पति का शिष्य है। तो यहाँ पर हम जब भी कोई भी उपयोग करते हैं, बृहस्पति से संबंधित हमें समस्या आ रही हो, केतु से संबंधित हमें समस्या आ रही हो, या फिर हमें बुध से संबंधित समस्या भी आ रही है, चाहे वो आपके व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा प्रयोग हम केले के वृक्ष का तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम भाग भाग कर थक गए, अब हमारे बस में नहीं लगता, अब तो कोई दिव्य शक्ति हमें अगर मान लीजिए सपोर्ट दे दे तो दे दे, अदरवाइज़ हमारे बस का नहीं है, हम एफर्ट्स करके हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको किस्मत का कोई रास्ता, कोई द्वार नहीं खुल रहा, केले के वृक्ष का उपाय किया जाता है। किस तरह से करना है वो समझ लीजिए कि हम किस तरह से इस उपाय को करेंगे। सबसे पहला उपाय, अगर आपको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, और एक बात और, अगर खाना नंबर 2 में 5 में 9 में 11 में 12 में बृहस्पति की जो पोजीशन है वो ख़राब हो रही है, या खाना नंबर 2 5 9 11 12 में बृहस्पति के शत्रु बैठे हैं और आप कहते हैं कि सर, क्योंकि बृहस्पति आपकी किस्मत, और आप कहते हैं सर मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो ऐसे केसेस के अंदर केले के वृक्ष का उपाय किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केले के वृक्ष के जो भी प्रयोग, अनुभूत प्रयोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो नियमित तौर पर करिएगा। ये वंस इन अ टाइम करने वाला प्रयोग नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक बार किया प्रयोग बस इसके बाद सब कुछ काम खुल जाए, ऐसा नहीं होता, आपको नियमित तौर पर करना पड़ेगा, धीरे धीरे द्वार खुलते चले जाएंगे। सबसे पहला जो प्रयोग है वो क्या करना है, आपने आप केले के वृक्ष पर नियमित तौर पर गुरुवार वाले दिन, मैंने अभी आपको बताया कि केला जो है उसमें भगवान नारायण का वास माना जाता है, और सत्यनारायण व्रत में भी पूजा की जाती है, बृहस्पतिवार व्रत में भी पूजा की जाती है, और जब भी बुध खराब हो जाए तो हम बृहस्पति और चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ इसमें हम बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का प्रयोग करेंगे। इसमें करना क्या है, जो दूध है कच्चा दूध लेना है आपने, कच्चा दूध चंद्रमा से संबंधित है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी डालने के बाद एक कोई भी स्टील का पात्र ले लीजिए, उसके अंदर ये बना लीजिए मिक्सचर, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, और ये जो मिश्रण आपने बनाया है ये नियमित तौर पर केले के वृक्ष में चढ़ाना शुरू करें गुरुवार से गुरुवार। पहला कार्य तो ये करेंगे। दूसरा, अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि विवाह शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, विवाह शादी का लास्ट मोमेंट पर जाकर काम अटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, बुधवार रात को आप थोड़ी सी चने की दाल भिगो के रख दीजिए, उसके साथ
दो या तीन गुड़ के आपको टुकड़े भी चाहिए होंगे। गुरुवार वाले दिन जैसा मैंने मिश्रण अभी बताया आपको, एक स्टील का पात्र ले लीजिए, उसके अंदर कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, प्लस ये जो चने की दाल आपने भिगोई हुई थी रात को और गुड़ था, ये सभी वस्तुएं आप गुरुवार वाले दिन जाकर केले के वृक्ष पर नियमित तौर पर अर्पित करना शुरू करें। देखेंगे आप विवाह के योग भी बनने लगे। और मैंने कहा ना कि जब किस्मत बिल्कुल द्वार बंद हो चुके हैं, किस्मत के, किस्मत कहीं से साथ नहीं दे रही, तो इन उपायों से ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको ये भी लगता है कि मेरे को भाग्य का साथ नहीं मिलता, तब भी ये दोनों उपाय जो मैंने अभी आपके साथ बात करें, आप गुरुवार के गुरुवार ये कर सकते हैं। अब जो तीसरा उपाय आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है ये, आपको जो जिस तरह से मैं बताऊँगा उसी तरह से करना है। इसमें करना क्या होगा, आप एक 10 रुपये का सिक्का ले लीजिए, साथ में जैसा मैंने अभी मिश्रण बताया आपको, स्टील का लोटा लिया, कच्चा दूध डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा मीठा डाला, ये सभी वस्तुएँ लेकर आप केले के वृक्ष के पास जाइए। ये जो 10 का सिक्का था, ये 10 का सिक्का आप केले के वृक्ष के पास कहीं पर भी गाड़ दीजिए ज़मीन के अंदर। ये कार्य आपने गुरुवार वाले दिन करना है। और फिर जो आपको मिश्रण बताया है, वो मिश्रण आप केले के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। अब उस गुरुवार से शुरू करके ये 43 डेज लगातार करना है। लेकिन सिक्का जो दबाना है वो एक ही बार दबाना है, ये नहीं कि हर बार आपने एक सिक्का दबाना है। पहले दिन जब पहले गुरुवार वाले दिन आपने उपाय किया, तो उस दिन ये आपने सिक्का दबाया। ये सिक्का दबाते हुए आपको मन ही मन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। मैंने कहा ना कि नारायण और लक्ष्मी का वास, नारायण जहाँ पर है वहाँ लक्ष्मी जी हैं ही हैं, तो केले के वृक्ष में माना जाता है। तो आपने करना क्या है, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का नियमित तौर, जब ये 43 डेज आपका उपाय चल रहा है, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते रहें नियमित तौर पर। आप देखेंगे कि जो आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही थी, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, वो साथ आपको मिलने लगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से आपके दरवाजे बंद थे, और जैसा मैंने खासकर आपको बताया खाना नंबर 2 में 5 में 9 में 11 में 12 में अगर बृहस्पति वीक हो रहा हो तो भी ये उपाय किया जा सकता है। और इवन कई बार ऐसा होता है कि कई मित्रों को हमने तब भी ये उपाय कराया जब खाना नंबर 4 में बृहस्पति की पोजिशन अच्छी नहीं थी, जबकि खाना नंबर 4 में उच्च का माना जाता है, तो भी बहुत लाभ हुआ है। तो इस उपाय को करके देखें, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।